हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि सरकारी ऑर्डर आया है। इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। खोखरा पैसा इसको बोलते थे लुटकू। और इसमें ना घी दिया जाता था। जैसे हाँ। दूसरी जो चीज मिली है वो है ये, इसको कुंबड़ी बोला Hello जाता everyone, है। और राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रिया व्लॉग्स हिमाचली में, हिमाचल के इस खूबसूरत गाँव से, मेरे गाँव धरोगड़ा से। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। और अभी ना हल्की हल्की सी धूप भी आ गई है और आज मौसम कुछ उबड़ खाबड़ सा है, बादल बादल आए हुए है। और आजकल ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, पूरे पूरे दिन बहुत ठंड रहती है। पहले सुबह शाम की ठंड होती थी, पर आजकल ना पूरे दिन बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। आज का मौसम कुछ इस तरह का है, सूर्य देवता जी ने दर्शन तो दे दिए हैं, पर पूरे आसमान में ना बिल्कुल बादल बादल से लगे हुए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हमारा घर क्यों टूट रहा है गाइस? आप बताइए पापा, हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि सरकारी ऑर्डर आया है। सरकारी ऑर्डर आया है, अपना घर उठाओ यहाँ से। ओफ ये गाइस, आज जो हमारा पुराना लटान था, इसके प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके तो सारे हे 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 सारे फटे, इसके सड़ गए थे, इसीलिए हम इसको दोबारा से नया लगाना शुरू कर रहे हैं। इसमें सीलिंग दे रहे हैं, लटान था है पहले, अब इसमें लगेगी सीलिंग। तो ये अभी पुराना हटा दे रहे हैं हम। तो देखिए गाइस, इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। ये काफी पुराना घर है गाइस, और इसमें काफी पुरानी पुरानी चीजें भी रखी हुई है, तो काफी चीजें हमारे को मिल गई है। और ये देखिए भैया भी पिछले कल घर को आ गए थे। खोखरा पैसा भी होना है। खोखरा पैसा भी मिल गया है। रुको, मेरे को जाने दो, रुको रुको रुको। इसमें खोखरा पैसा भी मिल सकता है। और जो जो भी चीजें इसमें मिली है पुरानी पुरानी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। है पापा, पहले रे पैसा होते बोले मेरे यार ना, वो तो ए थी केड़े उबो भाई, तो पता ही नहीं है रे उबो बीच है के थे को रहा हो बीच पे ले पक्की है ते अपने हिसाब से घर खिरावे। शूज देखिए गाइस, ये ऊपर को कैसा लग रहा है अब? बढ़िया है शक्ले। ये भैया ने बिल्कुल अब ऊपर से झाड़ झुड़ के अच्छा कर दिया है, एकदम साफ। और ये है मेरा भाई, इसका नाम है उमा शंकर। जूम करके डालूंगी। तो बाहर पे अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, ऊपर से नीचे निकाल के, और यहाँ पर कमरे से सारा सामान बाहर निकाल दिया है, सारे बिस्तर वगैरह टेबल सब कुछ बाहर निकाल दिया है। और अब है कमरे की बारी।
इसको नीचे निकालते हुए इसमें से ना हमारे को काफी सारी पुरानी चीजें भी मिली है, जिसमें कि सबसे पहले है ये, और इसको बोलते थे लुटकू। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि जहाँ पर भी कोई फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पर हम घी का लोटा लेकर जाते हैं, और ये ना पुराने टाइप का लोटकू होता था और इसमें भी काफ़ी घी आ जाता था, तो इसको हम वहाँ पर ले जाते थे जहाँ पर कोई फंक्शन होता था। अब इसकी जगह पर ना नए नए प्रकार के लोटों का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग डिज़ाइन के, पहले इस तरह का होता था और ये इतना पक्का है ना, ऊपर से ये नीचे गिरा पर ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। और यहाँ से दूसरी जो चीज़ मिली है वो है ये, इसको कुंबड़ी बोला जाता है और इसमें मंदिर को दूध ले जाते थे। और ये देखिए, ये है काफी पुरानी बांसुरी है और ये भी हमें इसी में से मिली है। और ये जो छोटी सी कुल्हाड़ी है इसको पचोकरा बोला जाता है, ये भैया का होता था और भैया इससे ना लकड़ियां करते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो सब हम जंगल को जाते थे और लकड़ियां बनाते थे। और ये है मेरे दादाजी की टोई, जिसको लाठी भी बोलते हैं, और ये तो ना अभी कुछ साल पुरानी ही है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लाके। यहाँ पर हाथ सेकने के लिए आग जला दी है छोटे पापा ने। सारी धूल गले में गई हुई है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, और मेरे गले में भी गई गाइस, मैंने भी सफाई की।